वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, चैनल पे डेली लेके आते हैं हम आपके लिए करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स यानी कि 20 मई 2021 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, पहली न्यूज है इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। तो यानी एग्रीकल्चर का जो निर्यात है उसका फैसिलिटेशन सेंटर एक खोला गया है, यानी चीजों को आसान बनाने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। कहाँ पे? तो ये खोला गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे शहर में, ठीक है। और किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा ये खोला गया है, ताकि क्या हो, अच्छी किस्म की पैदावार हो, उसको विश्व बाजार में आसानी से बेचा जा सके, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में और पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। द वायरोलॉजिस्ट साहिद जमील, ठीक है, क्या नाम है इनका? साहिद जमील, ठीक है, एल इधर छुप गया है, चलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं एल, ठीक है। तो साहिद जमील क्विट्स जीनोम मैपिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या थे? भारत के साइंटिस्ट कह लीजिए इनको, ठीक है, जो वायरोलॉजी यानी वायरस वगैरह की स्टडी करते हैं, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो कोविड 19 क्या है, एक वायरस से जनित रोग है, यानी वायरस से फैला हुआ है। तो इन्होंने जीनोम मैपिंग को, इनका एक ग्रुप था, कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उस कमेटी से रिजाइन दे दिया है, इसलिए ये सुर्खियों में आ गए हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना है साहिद जमील, किस फील्ड से संबंधित, किस लिए जाने जाते हैं? तो वायरोलॉजिस्ट के लिए ये जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संवेदना, ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, संवेदना, द सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा गया है संवेदना। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में है क्या है, ठीक है, तो ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रताड़ित इस बीमारी को जो झेल रहे हैं ऐसे बच्चे, उनको संवेदना देने के लिए यानी कि टेलीफोन पे कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी हेल्प आउट करने के लिए उनको तो क्या किया गया, एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग नंबर जारी किया गया। तो बगल में दिया गया टोल फ्री टेली काउंसलिंग नंबर किसके लिए? केवल और केवल बच्चों के लिए है, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग में दी गई है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? केवल बच्चों के लिए, फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन चिल्ड्रन, ठीक है, रिलेटेड कोविड-19 इश्यू से रिलेटेड हेल्प कॉल आउट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है संवेदना, और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, कभी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, स्पॉट, ठीक है। तो ये क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको सही कर लीजिएगा, स्पॉट, स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर टेस्टिंग कोविड-19, यानी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसको नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म दी गई है स्पॉट, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है भाई? पहले क्या होता, RT-PCR जांच कराते हैं, ठीक है, रिपोर्ट आने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है स्पॉट, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है, यानी कि लार जो लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन ले, तो उसमें भी अगर एक भी वायरस का पार्टिकल मौजूद है तो ये तुरंत बता देगा और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली उस चीज को मेजर कर देगा, यानी बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, लगभग आधे घंटे का समय इसमें लगता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली ये इसको बता देता है, ठीक है। तो इसलिए यूज किया गया ये स्पॉट। तो आपको ध्यान रखना है स्पॉट जो टेक्निक है किस लिए है? फॉर टेस्टिंग कोविड-19, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल, यानी ट्राइबल स्कूल जो होते हैं, जो जनजातीय होते हैं, स्कूल होते हैं हमारे, जिसे तो इनमें क्या करना है, इनको डिजिटलाइजेशन से करना है, डिजिटलाइजेशन इनका करना है, तो उसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है, किससे साइन किया है MOU, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है, एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइबल एरिया के जो स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, डिजिटलाइजेशन से जुड़े, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने साइन किया है MOU। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव,
यानी कि जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आजकल बात कर रहे थे, इससे पहले प्लाज्मा देने के डोनेट करने के लिए भी ठीक है बहुत सारे नेता लोग और बहुत सारे लोग मतलब हर कोई पर्सन ये कह रहा था कि भाई अगर आप ठीक हो चुके हैं तो बाकी लोगों का जीवन बचाने के लिए भी क्या करें, प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है, तो वो बात सही थी उस टाइम पर जो अपील कर रहे थे वो ठीक थी। ठीक है, लेकिन अब क्या पाया जा रहा है, जो स्टडी की गई उसमें क्या पाया जा रहा है कि भाई ये थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर उसमें नहीं है, तो इसलिए इसको अब अवॉइड किया जा रहा है, बचा जा रहा है। ठीक है, तो ये आइडिया फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है किसके द्वारा, नेशनल कोविड फोर्स के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यू बिग फाइव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया है न्यू बिग फाइव, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे न्यू बिग फाइव किस चीज से रिलेटेड है, तो किससे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, और लगभग विश्व भर के 250 फोटोग्राफर्स इसमें अरेंज हैं या मैनेज किए गए हैं, ये लोग क्या करेंगे इसमें फोटोग्राफी करते हैं, और ऐसे पांच ठीक है बेहतरीन आप कह सकते हैं खतरनाक जो जानवर होते हैं जिनकी फोटोग्राफी करना बहुत ज्यादा टेढ़ी चीज माना जाता है, तो इन सब चीजों से ये रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है न्यू बिग फाइव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेट करता है। ठीक है, और बिग फाइव प्रोजेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है किस चीज से रिलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड इज एट रिस्क ऑफ वैक्सीन अपार्थेड WHO। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि विश्व जो है एक रिस्क पे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया है वैक्सीन अपार्थेड, यानी कि आप जैसे कहते हैं पहले क्या हुआ था, अमीर और गरीब में भेद हुआ करता था, गोरे और काले में भेद हुआ करता था, इसी तरह अब वैक्सीन को लेकर विश्व में बहुत ज़्यादा भेदभाव एक तरह से देखा जा रहा है, ऐसा मानना है किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी कि अमीर लोगों को, अमीर जो देश हैं वहाँ उनको वैक्सीन मिल पा रही है, गरीब मुल्क जो है उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा मानना है किसका, WHO का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया MMA चैंपियंस द फर्स्ट इंडियन, तो किसने जीता है भाई, फर्स्ट इंडियन, यानी इंडिया के किसी ने नहीं जीता था लेकिन ये फर्स्ट इंडियन बन गए, कौन है, और हालांकि ये इंडियन नहीं है कंप्लीटली, इनको इंडियन कैनेडियन कहा गया है, यानी ये इंडियन मूल के थे लेकिन रहने लगे थे कहां, कनाडा में। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है अर्जन सिंह भुल्लर, क्या नाम है इनका, अर्जन सिंह भुल्लर, तो ये इनकी इमेज दिखाई गई है बगल में। ठीक है, चैंपियन, ठीक है किसमें, हैवी वेट, ठीक है इसको ये हो गया यहाँ पे ठीक करेंगे, हैवी वेट ठीक है, विन ओवर, और किसको हरा के जीता है, इन्होंने जीता है ब्रेंडन वेरा को हरा के ये खिताब जीता है, और कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे नहीं लिखा है शायद, ठीक है तो हम बता दे रहे हैं आपको ये सिंगापुर में हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 80 मिलियन, ठीक है 80 मिलियन कोविड डोजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी US यानी अमेरिका का ये कहना है कि भाई हम 80 मिलियन डोजेस विश्व को देंगे, ठीक है यानी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा किसका मानना है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कह लीजिए या वहाँ की गवर्नमेंट का, ये ऐसा मानना है क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में लगभग बहुत सभी लगभग ठीक है सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब उनको लगता है कि हमें ये एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। चलिए देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर सिटीजंस कॉल एल्डर लाइन, ठीक है तो ये शब्द आपको ध्यान रखना, एल्डर लाइन फॉर इमोशनल सपोर्ट हेल्थ कंसर्न एंड लीगल इश्यूज, ठीक है तो इन्होंने क्या किया है भाई, जिस तरह से अभी हमने देखा था क्या बच्चों के लिए यूज किया गया था संवेदना, इसी तरह से बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन यूज किया गया है। ठीक है, किस लिए है, ये भी एक तरह से फोन पे कम्युनिकेट करके आपको क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ कंसर्न से डिस्कस करेंगे एंड लीगल इश्यूज से भी ये लोग डिस्कस करेंगे, किसके लिए, ओनली फॉर सीनियर सिटीजंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर 50 मिलियन इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइल्ड बर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है तो कह रहा है कि इस पूरे विश्व में लगभग 80 बिलियन पक्षी जो हैं उनका घर है, ठीक है यानी लगभग सेम में आप बात करें तो एक तरह से कह रहे हैं कि लगभग 50 बिलियन, ठीक है 50 बिलियन वर्ड जो है इस विश्व में निवास करते हैं या रहते हैं, ये एक स्टडी में कहा गया है और ये स्टडी कहाँ हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेट, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय जो होता है, ठीक है उन्होंने क्या किया, एलोकेट किया है, दिया है कितना, 8,924 करोड़ रुपए दिए हैं किसको, फॉर पंचायती राज, ठीक है पंचायती राज की जो लोकल गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या दिया गया है, एलोकेट किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट,
जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो ये कंपनी है जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज, कहाँ की है, चंडीगढ़ बेस्ड है ये। डेवलप, इसने क्या किया, डेवलप किया फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट अंडर द प्राइवेट जस्टिस सिस्टम, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना महामारी में सब कुछ डिजिटलाइज होता चला जा रहा है, उसी तरह से डिजिटल कोर्ट की एक व्यवस्था इन लोगों ने की है, एक ऐप इन्होंने लॉन्च की है, कह सकते हैं एक सिस्टम बनाया इन लोगों ने, ताकि उसमें क्या हो सके, घर बैठ के ही पेशी हो सके, सारे काम ऑनलाइन हो सके, तो ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। तो ध्यान रखना है जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या इन्होंने डेवलप किया है, फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोड अंडर द प्राइवेट जस्टिस सिस्टम, ठीक है, तो गवर्नमेंट का मूड आएगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी यूज में लाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये पहला प्रयास है अपने एकमात्र तरह का, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, 2DG, ठीक है, ये एक दवाई है, वैक्सीन का नाम है, जिसके फुल फॉर्म है 2-dioxy-D-glucose, ठीक है, और ये क्या है, एक एंटी कोविड ड्रग है, यानी कोरोना बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या है, एंटी कोविड ड्रग है, ठीक है। लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च किए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है, और अगर राजनाथ सिंह ऑप्शन में नहीं होते, डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते, तब आप लगा सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन। एक्चुअली जब इसकी लॉन्च हुई तो दोनों लोग मौजूद थे, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है राजनाथ सिंह ऑप्शन में रहे, तो पहला ऑप्शन राजनाथ सिंह करेक्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बनाई है DRDO ने, ठीक है, हमारी जो डिफेंस कंपनी है DRDO, उसने ये बनाई है, ठीक है। तो ज्यादातर मेक इसका श्रेय जाता है DRDO को, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम, तो राजनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, जो हेड कोच है, मेन कोच है भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के, वो कौन बनाए गए हैं, तो रमेश पवार बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रमेश पवार जी हैं, तो ये चित्र आपको देखना है, ये नहीं है रमेश पवार जी, ठीक है, तो ये हैं, ठीक है। तो ये रमेश पवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मेन यानी हेड कोच बनाया गया है। तो देखिए एक टीम में बहुत सारे कोच होते हैं, जैसे बॉलिंग कोच हो गया, फील्डिंग कोच हो गया, तो उसमें एक हेड कोच भी होता है, मेन कोच होता है, तो वो कौन बनाए गए, रमेश पवार। तो रमेश पवार कौन थे, तो भाई ये क्रिकेटर रहे, बॉलिंग क्या करते थे, स्पिन बॉलिंग क्या करते, तो ये हैं रमेश पवार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, रिलायंस जियो इज मेकिंग द बिगेस्ट एवर सबमरीन, ठीक है, केबल सिस्टम, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रिलायंस जियो तैयार कर रहा है अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर सबमरीन केबल सिस्टम। सबमरीन केबल सिस्टम यानी कि समुद्र के अंदर से, पानी के अंदर से जो इंटरनेट के केबल जाएंगे, वायर्स जाएंगे, वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस जियो। चलिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्या होगा अगर ये हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्पीड आने लगेगी, इंटरनेट की सुविधाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम यानी चढ़ने माउंट पुमोरी, ठीक है। तो ये एक पर्वत चढ़ी है, कौन सा, माउंट पवोरी चढ़ी है, कौन चढ़ी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है, ठीक है, और एक नहीं है, दो हैं, 1 और 2, ठीक है। इनके नाम क्या क्या है, तो इनका नाम है भाई बलजीत कौर, जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेट करती हैं, और दूसरी हैं गुनबाला शर्मा, जो कि राजस्थान से संबंध रखती हैं। चलिए, और ये क्या है भाई, माउंट पोमोरी, पता नहीं कौन सा शब्द आ गया, शायद आज से पहले आपने ना सुना हो, तो ये जान लीजिए, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माउंट मैसिव, ठीक है। ये पार्ट है माउंट मैसिव का, और माउंट मैसिव क्या है, ठीक है, चार चोटियों का एक समूह है, जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, वो भी इनमें इंक्लूड होता है, वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट तो बहुत सारी महिलाएं चढ़ी हैं, लेकिन माउंट पमोरी चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन ये बनी है, ठीक है, विदेशी वुमेन की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। हालांकि आप जान लीजिए कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन्स बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, SBIRS Geo-5 ए मिसाइल वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो SBIRS पहले आप जान लीजिए ये क्या है, Geo-5 ये है मिसाइल वार्निंग सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, ठीक है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये कंपनी है बाय एटलस वी रॉकेट स्पेस बेस्ड, ठीक है, किसके द्वारा, एटलस वी रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है बेस, ठीक है। आप सुनिए इसका पूरा फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो देखिए स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है, जियो स्टेशनरी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, तो SBIRS की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इस ब्रिस इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन जब आज के एग्जाम में आएगा तो पूरा ये लिखा हुआ आपके पास आएगा ही आएगा। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट मोमा मार्केट, ठीक है। तो मोमा मार्केट क्या है, तो देखिए मोमा मार्केट की फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, एम फॉर मणिपुर, ओ फॉर ऑर्गेनिक, एम फॉर मिशन एजेंसी, ए फॉर एजेंसी, ठीक है। तो मोमा की फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिस पे आप जा सकते हैं, या ऐप वगैरह भी है इनकी, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप जाके आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स की जो भी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप कर दीजिए, डाल दीजिए, आपके घर तक ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी। इस तरह से इन्होंने ये मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा स्टेट है, कहां से रिलेट करता है, तो मणिपुर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये किस टॉपिक पे लिखी गई है, किस विषय पे लिखी गई, तो ये लिखी गई है यूएस क्रिसिस, यूएस का मतलब आप सब जानते हैं यूनाइटेड स्टेट, क्रिसिस इन साउथ एशिया, ठीक है, इस टॉपिक पे है। और ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये है मोइद डब्लू यूसुफ, क्या नाम है, मोइद डब्लू यूसुफ, इनका चित्र दिखाया गया है साथ में। ये तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इमरान सरकार में ये क्या है, सहायक है, वहाँ पे क्या करते हैं इन सब चीज़ों को डील करते हैं। तो ये पाकिस्तान के हैं, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता है। चलिए तो इस तरह से आज का 20 मई 2015 का करंट अफेयर्स में जितनी न्यूज़ थी, हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचाई जाए। और भी आगे करंट अफेयर्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।